क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सीमेंट के जो पोल लगा के उसके ऊपर फिर चारों तरफ जाली लगा के उसकी कम कीमत में सबसे कम बजट में खेतों की बाउंड्री करने के लिए हाईवे के दोनों तरफ नहीं आवे उसके लिए लगाने के लिए ठेकेदार यूज करते हैं। डिपेंड करता है वायर पे, आप 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm, 10 जैसा आप बनाना चाहें वैसा इसके अंदर आप जाली बना सकते हैं। अच्छा, इसका जो फंक्शन वगैरह है कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें जो मोटर वगैरह है कितने एचपी का है और जो प्रोसेसर वगैरह कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, इसका अभी हम आपको पूरा डेमो दिखाएंगे, जहाँ पर मशीन चल रहा है वहाँ लाइव चल के दिखाएंगे। इसके अंदर ये 3 HP का सिंगल फेस का मोटर होता है जो क्रोमटन कंपनी का होता है। अच्छा। ठीक है, जो इससे ऑपरेट होता है, ये इसका ऑन ऑफ का इसका स्विच जो होता है ये कंपनी की मोटर जो इसके साथ में ही देती है। ठीक है, और ये इसका अंदर आपका ये ऑयल टैंक होता है जिसमें आपका कटिंग ऑयल रहता है, इसके लिए भी नीचे एक मोटर लगी हुई है, उस मोटर से इसमें पाइप में कटिंग ऑयल चलता है जिससे आपका वायर जो है आसानी से बन जाता है। फिर उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे ये अपनी बार बेंडिंग मशीन, जो कंटीले तार बनाने की जो मशीन होती है। अच्छा। ये भी इसी के साथ में होती है, जिसका अलग से मशीन कस्टमर ले सकते हैं। दोनों मशीन अलग अलग होती है, इसका काम अलग होता है, उसका काम अलग होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के वीडियो में। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में लगा हुआ है, ठीक है, जाली बनाने की मशीन, और उधर देख पा रहे हैं कटीले दार तार बनाने की मशीन। अगर आप लोग चाहते हैं यह जो दोनों मशीन को लगाना, ठीक है, परचेसिंग करना, अपने बिजनेस को शुरू करना, तो कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग, ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को फिर से लेकर आ गया हूँ राजस्थान के भीलवाड़ा में और विजिट किया हूँ CB इंटरप्राइज में। इनके यहाँ आप सभी लोग को, ठीक है, लघु उद्योग से रिलेटेड सारी मशीनें मिलने वाली है, ठीक है, आप लोग को हैवी मशीनें मिलेगी, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग को मतलब फ्लाई एस बनाने की मशीन मिलेगी, यहाँ पर पोल बनाने की मशीन मिलेगी, खंभा बनाने की मशीन मिलेगी, मतलब A to Z सारे मशीनें मिलने वाली है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जाली बनाने की मशीन। तो आइए यहाँ के जो ऑनर हैं सेबी इंटरप्राइज के भैया, ठीक है, दिनेश भैया, उनको बुलाते हैं, सारी सारी डिटेल जानते हैं इसका जो, ठीक है, मटेरियल वगैरह है आप लोगों को कैसे मिलेगा, कितना, ठीक है, इसका प्रोडक्शन है होता है, और इसमें जो मोटर वगैरह लगा है कितने कितने HP का है, चलाने वाला है, सब एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें जो प्रोडक्शन होता है कैसे बनता है वो भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं CB इंटरप्राइज के यहाँ के जो ऑनर हैं दिनेश भैया। भैया कैसे हैं? बस भैया, सबसे पहले आपको नमस्कार भैया। लगातार आप अपने कंपनी से लगातार एक नया नया बिजनेस आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे नए व्यूअर हैं, ठीक है, फिर तो फिर से हमको अपने कंपनी के बारे में बताइए। यहाँ पर आप काफी ढेर सारा मशीन को सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक है, और जो मशीन आने वाला है काफी भारी भारी आने वाला है, थोड़ा बताइए किस किस प्रकार की मशीन में डील कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी कंपनी CB एंटरप्राइजेज में। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा, हमारी कंपनी है CB एंटरप्राइजेज राजस्थान भीलवाड़ा जी। दोस्तों आज जिस मशीन की अपन बात करने वाले हैं वो है वायर बनाने की, वायर से जाली बनाने की मशीन, जिसको आप फेंसिंग चेन लिंक बोल सकते हैं, जिसको आप वायर बारबेंड मशीन भी आप उसको बोल सकते हैं, जो कि कंटीले तार होते हैं जी। इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो खेतों की बाउंड्री करने के लिए किया जाता है। जैसे गांव क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सीमेंट के जो पोल लगा के उसके ऊपर फिर चारों तरफ जाली लगा के उसकी कम कीमत में सबसे कम बजट में खेतों की बाउंड्री करने के लिए हाईवे के दोनों तरफ नहीं आवे उसके लिए लगाने के लिए ठेकेदार यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आज उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो अलग जाली होता है, वो एल्यूमिनियम जाली होता है, ये अलग जाली होता है। अच्छा अच्छा, मतलब इसका जो मतलब नहीं होता है, मतलब पतला रहता है मोटा रहता होगा जो उसका, वो डिपेंड करता है वायर पे, आप 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7 mm, 10 जैसा आप बनाना चाहें वैसा इसके अंदर आप जाली बना सकते हैं। अच्छा, इसका जो फंक्शन वगैरह है कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें जो मोटर वगैरह है कितने HP का है और जो प्रोसेसर वगैरह कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, इसका अभी हम आपको पूरा डेमो दिखाएंगे, जहाँ पर मशीन चल रहा है वहाँ लाइव चल के दिखाएंगे। इसके अंदर ये 3 HP का सिंगल फेस का मोटर होता है जो क्रोमटन कंपनी का होता है। ठीक है, जो इससे ऑपरेट होता है, ये इसका ऑन ऑफ का इसका स्विच जो होता है ये कंपनी की मोटर जो इसके साथ में ही देती है। ठीक है, और ये इसका अंदर आपका ये ऑयल टैंक होता है जिसमें आपका कटिंग ऑयल रहता है, इसके लिए भी नीचे एक मोटर लगी हुई है, उस मोटर से इसमें पाइप में कटिंग ऑयल चलता है जिससे आपका वायर जो है आसानी से बन जाता है। फिर उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे ये अपनी
बार बेंडिंग मशीन, जो कंटीले तार बनाने की जो मशीन होती है, अच्छा। ये भी इसी के साथ में होती है। ये अलग से मशीन कस्टमर ले सकते हैं। दोनों मशीन अलग अलग होती है, इसका काम अलग होता है, उसका काम अलग होता है। अच्छा। इसमें आपको 5 HP की मोटर होती है, जो आप सिंगल फेस थ्री फेस कनेक्शन दोनों अवेलेबल है, जैसा आप चाहे ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर अपन प्रोडक्शन की, जैसे आपने पूछा प्रोडक्शन कितना होगा, तो प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, तो अगर कंटीले तार की प्रोडक्शन की बात करें, तो ये मशीन 8 घंटे में 600 kg वायर बना सकती है, जो कि बंडल के रूप में तैयार। इसका जैसे प्रोडक्शन मैंने बताया आपको, लगभग 600 kg इसका वायर बन सकता है, कंटीला वायर, ठीक है। और इसके जाली वाली मशीन की अगर अपन बात करें प्रोडक्शन की, तो वो आपका लगभग 700 kg जो है पर डे, यानी 8 घंटे में आपका इसमें प्रोडक्शन हो जाता है। अच्छा। तो प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन बात करें, तो लगभग आपका सारा खर्चा निकालने के बाद 5 से 6 रुपया पर केजी सूखा आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा भैया, बात करते हैं, तो इसमें भी क्या डाई वगैरह का यूज किया जाता है? बिल्कुल, इसमें जैसे जाली होती है, तो उसकी अलग अलग साइज होती है, 3 इंची 4 इंची 2 इंची। अच्छा। तो आप इसमें डाई चेंज करके आप इसमें बना सकते हैं। मशीन के साथ में आपको एक डाई आती है, एक्स्ट्रा डाई अगर आपको लेनी है, तो वो कस्टमर की डिमांड पे, तो भाई उनको कितने इंच चाहिए, वो एक्स्ट्रा डाई अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें और भी कोई सेटअप हम लोग यूज करते हैं गैस के साथ? जैसे ये तो आप मशीन के बारे में बता दिए, इसके बाद भी कोई इसका और अलग सा सेटअप आता है? बस यही सारा सेटअप होता है इसमें कम्प्लीट, आपका ऑटोमेटिक है ना भैया? हाँ, ये सेमी ऑटोमेटिक है, और जो वायर जो है कांटे वाले, वो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। अच्छा, तो हम लोग इसका जो बिजनेस है, कितने रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें अगर मशीन की कॉस्टिंग की अगर बात करें, तो अप्रोक्सीमेट 1-1.5 लाख रुपए में इसका काम चालू हो जाता है। उसकी बात करें, तो लगभग आपका 2.5 लाख रुपए में काम चालू हो जाता है। अच्छा, मतलब दोनों मशीन कोई जरूरी है क्या भैया एक साथ लेना? नहीं, जरूरी नहीं, आप चाहें तो केवल जाली वाली ले सकते हैं, आप चाहें तो कांटे वाली तार वाली ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है। अच्छा, और इसका जो मटेरियल वगैरह है जो बनता होता है, वो कहाँ से हम लोग परचेस करेंगे? लोकल मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, लोकल मार्केट से मिल जाएगा। कितना रुपया किलो मतलब आता है? ये लगभग आपका ये आता है 65 से 70 रुपए किलो के बीच में आता है, और 75 से 80 रुपए किलो के बीच में आपको मार्केट में। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के जो भैया हैं, आप लोग को एक एक करके सारा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कैसे ये जो मशीन है काम करता है, वर्क करता है। ये बात करते हैं सर्विस वगैरह का। आप मतलब सिविल इंटरप्राइज में अगर कोई यहाँ पर आता है, मशीन को परचेस करता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्विस। अगर सर्विस नहीं देंगे, तो जो आगे वाला बंदा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए मार्केट में मशीन कोई भी दे देगा, कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्विस की, ठीक है। और हम खुद मैन्युफैक्चरर है, तो जितना हो सकता है उतना हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि पहली चीज़ तो इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जो भी आपको मोटर वगैरह लगी हुई, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, सारे हैवी ड्यूटी ओरिजिनल और ब्रांडेड पार्ट्स लगते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको 99% कोई दिक्कत नहीं आती, 1% अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, तो फोन पे ही सॉर्ट आउट हो जाती है, जिससे आपका प्रोडक्शन भी बंद नहीं होता है और आपको नुकसान भी नहीं होता है। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा भेज देते हैं, आने जाने का खर्चा आपको देना होता है, चालू हो जाता है। तो बाकी वैसे इसमें किसी आदमी मैकेनिक की इतनी बड़ी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, और इसमें जो बिजली वगैरह का जो यूनिट मतलब कितना खर्चा आता होगा? बिजली वगैरह का जैसे आपकी नॉर्मल घरेलू जो पानी पंप चलता है, उसमें इतना लगभग 3 HP का है, और उसकी अगर बात करें तो उसमें 5 HP का है, तो जो नॉर्मल ट्यूबवेल का जो पंप चलता है, उसके अकॉर्डिंग इनका भी खर्चा रहता है, और कम ही रहता है उनसे, लेकिन उतना ही रहता है, लगभग लगभग सेम ही रहता है। घर के बिजली से उसको चला सकते हैं? हाँ, इसको आप घर की बिजली से भी चला सकते हो, और नॉर्मल आप कनेक्शन भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा, इसके लिए सर अगर आप चाहें तो राजस्थान भीलवाड़ा के अंदर रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये वर्कशॉप है, आप यहाँ विजिट करके भी आप ये ले जा सकते हैं, ओल्ड इंडस्ट्री ले इसको बोलते हैं। दूसरा, जैसे आप अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप आना नहीं चाहते, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए, डिस्प्ले पे दिए हुए, यहाँ कॉन्टैक्ट करके हमारा जो कॉल सेंटर, वहाँ से बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपका जो मशीन चूज करते हैं, उसका जो अमाउंट होता है, उसका सिर्फ 20% एडवांस आपको अकाउंट में जमा करवाना था, 80% अमाउंट जो होता है वो कैश ऑन डिलीवरी, यानी आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस रहेगा, वहाँ आके मशीन होल्ड होगा, फिर आप जाइए देखिए, और फिर 80% पेमेंट करके मशीन ले लीजिए। अच्छा, तो दोस्तों बाकी ठीक है, अगर आप लोग को और कुछ भी जानना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का जो एड्रेस है आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पर यहाँ का जो नंबर है आप लोग को, ठीक है, शो रहा होगा। भैया जाते जाते बार हमको फिर से यहाँ का एक प्रॉपर एड्रेस बताते हुए जाइए। राजस्थान भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से मैच 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये वर्कशॉप है, जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिला उद्योग केंद्र के जस्ट बगल में। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों आज का यह जो बिजनेस आइडिया है कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग सीबी इंटरप्राइज में विजिट करते हैं, तो आप लोग को ठीक है एक से एक यूनिक बिजनेस आइडिया देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।